श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं विजेंद्र सिंह आज आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपको बादशाह रामतीर्थ के बारे में बताऊंगा। स्वामी रामतीर्थ ये एक आदर्श विद्यार्थी थे, आदर्श गणितज्ञ थे, समाज सुधारक थे, देशभक्त थे, दार्शनिक कवि थे और प्रज्ञावान संत थे। इनके जीवन का एक एक संस्मरण हमें सत्य के मार्ग पर ले जाता है। ये अपने आप को बादशाह कहते थे, बादशाह रामतीर्थ। ये खुद को बादशाह कहते थे तो लोग इन्हें पागल कहते थे। फिर ये कहते थे, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। बड़ा खूब जवाब देते थे। ऐसे ही इनके जीवन का एक प्रसंग मैंने पढ़ा, वो मैं आपके सामने आज लाया हूँ। एक बार ये ऋषिकेश में गंगा के किनारे घूम रहे थे, वहाँ पर इन्हें एक योगी मिला, ध्यान में बैठा हुआ था। स्वामी रामतीर्थ जी उनके पास गए और पूछा, बाबा आप कितने वर्ष से सन्यासी हैं? योगी ने कहा, कोई 40 साल हो गए। अब स्वामी जी ने पूछा, इतने वर्षों से आपने कुछ प्राप्त किया? तब योगी ने बड़े गर्व से कहा, इस गंगा को देखते हो? हाँ महाराज, मैं चाहूँ तो इसके पानी पर उसी तरह से चलकर पार जा सकता हूँ जैसे कोई ज़मीन पर चलता है। स्वामी राम ने पूछा, अच्छा महाराज, क्या आप वापस भी आ सकते हो? योगी बोला, हाँ हाँ वापस भी आ सकता हूँ। स्वामी जी ने पूछा, इसके अलावा कुछ और? योगी ने कहा, यह सिद्धि कोई कम सिद्धि है? बताओ, यह सिद्धि भी कोई कम है? स्वामी रामतीर्थ जी मुस्कुराए और कहा, बाबा यह तो बहुत छोटी सी सिद्धि है, बहुत छोटी बात है। आपने 40 साल इस सिद्धि को पाने में खो दिए। नदी पार करने के लिए केवल 2 आने काफ़ी हैं। 2 आनों में आप इस तरफ जा सकते हो, 2 आनों में आप इस तरफ से उस तरफ जा सकते हो, इस पार भी जा सकते हो 2 आने में, 2 आने में उस पार जा सकते हो। 40 वर्ष आपने वो प्राप्त किया जो केवल 4 आने में प्राप्त हो सकता था। आप अमृत सिंधु धर्माचरण में गए जरूर, लेकिन मुक्ताफल लाने के बदले आप कंकर ही बटोर कर लाए। जैसे ही उन योगी ने ये सुना तो उन्हें आत्मज्ञान हो गया और उन्हें पता चला, ओफ, मैंने 40 साल तो अपने बर्बाद कर दिए केवल एक सिद्धि पाने में। मुझे तो ये जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देना चाहिए। और उन्हें इस तरह से आत्मज्ञान हो गया। तो ऐसे थे स्वामी रामतीर्थ जी, जो प्रत्यक्ष होता था, साफ बात होती थी, उसे एकदम स्पष्ट तरीके से बोलते थे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने स्वामी रामतीर्थ जी के व्यक्तित्व के बारे में जाना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। जय श्री राधे।